नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक सर्वे में। तो हम आपको यहाँ पर कुछ सवाल प्रसेंट के लाए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देरी न करते हुए हम अपने सवालों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु A का मूल्य B की अपेक्षा 25% कम है तो B का मूल्य A की अपेक्षा कितने परसेंट अधिक होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू लिख देते हैं A और B की। तो इसमें कहा गया है कि A का मूल्य B की अपेक्षा 25% कम है, तो मान लिया A का मूल्य 25% कम है तो ये मान लिया 100 है और इससे 25 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75%। अब ये बताया गया है कि अब B का मूल्य A के मूल्य की अपेक्षा कितने परसेंट अधिक होगा, यानी इसका मूल्य B का A की अपेक्षा कितने परसेंट अधिक होगा। सवाल में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर देखते हैं कि A कितना कम है B से, तो देखिए 25 कम है, 25% कम है B से A। तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा संख्या नीचे रहती है 75, और ये एक इससे 25 कम है B से, तो ये 25 कम है यानी 75 से, यानी 100 से 25 कम है, तो इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। अब जब गुणा कराएंगे तो 25 एकम 25 और 25 तिया 75, तो इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो 33 सही 1/3% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें अयस्क का मतलब होता है कई धातुओं का मिश्रण। तो इसमें यह सवाल कैसे लगेगा, यह सवाल में बताया गया है कि किसी अयस्क में 15% तांबा है, तो मान लिया अब वो अयस्क की क्वांटिटी हमको पता नहीं कितनी परसेंट है क्या है, तो हम पहले अयस्क को यक्ष मान लेंगे, यक्ष और गुणे यानी जिसके साथ हम परसेंट लगाते हैं, जब उसको घटाते हैं तो वहां पर नीचे 100 बढ़ जाता है, ये हो गया। अब कह रहे हैं 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी, तो बराबर 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए वो अयस्क जो होगा कितने की किलोग्राम होगा, तो ये बताना है। तब इसको काटते हैं दोस्तों, देखिए काटने के लिए अब इसकी इसके साथ बराबर लगा है तो इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, और जब 100 की 72 से गुणा होगी तो ये हट जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसकी इसका भाग 72 से होगा, तो 15 एकम 15 15 चक्कू 60। अब 15 चक्कू 60, तो 15 अब यहाँ पर बचा 12, तो 15 8 120 या 0, अब टोटल यानी 480 किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक कपड़े का निर्माता कट पीस कपड़े पर 20% की छूट देता है और फिर ग्राहक को 15% की छूट देता है, तो उसे कुल कितने परसेंट की छूट मिली। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सूत्र से, लेकिन हम बिना सूत्र के बहुत ही आसान विधि से आपको समझाते हैं। सबसे पहला जो होता है, टोटल हमारा जो छूट होती है 100% होता है, परसेंट में पूरा छूट 100% की होती है। फिर उन्होंने कहा कि पहली छूट 20% की है, तो इसमें से अगर 20% निकल गया तो यहाँ क्या बचा 80, 100 में से अगर 20 निकल गया तो यहाँ पर 80 बचा। अब दूसरी छूट मिली है 15% की, 15% किससे की निकाला जाएगा, जो 80% आया हो उसका 15% निकाला जाएगा, तो गुणे 15/100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 3 15, 2 से ये 4 गुना और 4 3 12, एक छूट हमारी 20 की हो गई, एक हमारी छूट 12% की हो गई, तो टोटल 20 और प्लस 12 बराबर 32% की छूट हो गई। कितने परसेंट की, 32% की। तो दोस्तों ये थे कुछ परसेंट के सवाल, और ऐसे ही हम आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।